क्या है क्या है उसको भी बुलाएगा आज इधर अंदर में वो नहीं निकल रहे कोतो ना तो एक दुमाली एक लड़की है उसका साथ एपीआर चल रहा है 2023 से चल रहा है उसको हम इतना माना के और लड़की को भी उसका घर में तक जाके उसका पाँव को भी पकड़े हम उसको तेरा भी फैमिली है मेरा भी फैमिली है ऐसे मत हो दूसरा का संसार को नष्ट करके लाभ नहीं है मेरा भी एक फैमिली है तेरा भी एक फैमिली है तो तुम्हारा पति है तेरा बच्चा है अपना बच्चा संभालो मैं हम भी अपना बच्चा पति को संभालो तुम मेरा पति को ऐसे मत करो हमेशा ब्लैकमेल करता है मेरा पति को मैसेज करता है तुम जब ऐसे नहीं मेरा साथ ऐसा क्यों करता है ऐसा नहीं करना हम उसको क्या करेगा सुसाइड करके मरेगा ये करेगा बोलते इसलिए तो मेरा पति उसके पास ही आ रहा है और ऐसे एक इसके पास दिमाग चलाता है ये ऐसा भी चीज है मेरा पति के साथ मिलके लोन भी लिए लोन लेके सीडी का बिजनेस करते हैं इससे पहले भी और भी आए थे ये बंदा आए उसका ये तो इधर आया हुआ दो तीन महीना हुआ शायद इसका घर उस तरफ में था उसमें भी वो आता था मैं भी गया था उसका पास उसका घर में तीन बार जाके बोले इसका बाद मोबाइल से भी हम कांटेक्ट करके बोले हम उसको दीदी देखा था वो हमको जैन बोला हम उसको दीदी बोले तुम ऐसे नष्ट मत करो फैमिली को तुम भी एक औरत है हम भी एक औरत है मैं तो यहाँ का नहीं हूँ मैं इतना दूर से आया अरुणाचल से मेरा हस्बैंड आपको पसंद करके शादी करके लाए अभी तुम मेरा परिवार को नष्ट मत करो आपका भी तो परिवार मेरा परिवार है क्यों नष्ट कर रहे हम ये चीज बोला जिस लड़की के साथ वो आता है वो लड़की मतलब अकेला रहता है या उसका हस्बैंड वगैरह इसका हस्बैंड नहीं है इसका हस्बैंड उससे अलग हो चुका है अलग हुआ था मतलब पूरा डिवोर्स नहीं हुआ है इसका हस्बैंड के साथ में भी मैंने कॉन्टेक्ट किया था 2021 में एक साल जैसे हो गया मैंने कॉन्टेक्ट किया वो बोलता है मैं तो 8 साल हो गया लड़की को चोरा हुआ मेरा बीवी का मैंने चरित्रहीन है मेरा बीवी इसलिए मैंने चोर दिया पर भी मैं उसको पैसा चलाता हूँ मेरा बेटी है ये सब बोला है इसका पति ने इसका बाद भी मैंने उसको दीदी बोल के बोला रिक्वेस्ट किया इतना समझाया हर चीज उसके पास मैंने जो बात किया वो सब मेरा पास रिकॉर्ड है उसको मैंने जो टैक्स किया उसका पास रिकॉर्ड है और ये मेरा हस्बैंड के साथ क्या किया टैक्स करता है वो भी मेरा पास है आप दिन भर वीडियो कॉल करके ये क्या करता है ऑफिस स्टाफ सब जानता है वो लोग भी सब कुछ जानते हैं वो लोग कितना समझाया पर भी नहीं मानते आज कितने बजे आया और क्या कर रहा था आज घर से निकला है 4 बजे पकड़ो 4 बजे 4 बजे निकला है इसके बाद और 4:30 या ऐसे समय को मैंने मुझे फोन किया मैं अभी तकरजला में हूँ मीट करी थे मुर्गी मीट करी थे दोस्त लोग का साथ किसका घर में बैठेगा बोला मैंने पूछा उसने बोला अरे तुम उसको पूछ के क्या करेगा मेरा दोस्त लोग बहुत है इसके बाद मेरा ससुरी मम्मी ने घर में है उसने मुझे फोन करके बोला उसने उसको बार बार फोन किया फोन रिसीव नहीं कर रहे बार बार फोन किया फोन रिसीव नहीं कर रहे तो मेरा ससुरी हमको ही कॉन्टेक्ट कर रहे और फोन बाद में वो फोन रिसीव करके बोला हम दोस्त लोग के साथ दारू पी के बैठ रहे तकरजला में है मैंने तकरजला में उसका दोस्त कौन कौन है सब लिस्ट मैंने कॉन्टेक्ट करके फोन करके पूछे उसने कोई भी बोला आज हम उसको नहीं देखा है जौमपुई जला में भी मैंने कॉन्टेक्ट करके पूछा वो नहीं है इसके बाद मैंने सस्पेक्ट किया वो तो आगे भी इधर आता है तो शायद आज भी इधर होगा इसके बाद मैंने इसका फोन नंबर लोकेशन ट्रैक किया तो इधर का लोकेशन पता चला इस लड़की के घर को भी मैंने पता नहीं था आज लोकेशन ट्रैक करके मिला है इसका मोबाइल से मतलब बहुत दिन से एफआईआर चल रहा था बहुत दिन से 2020 से बातचीत इधर बोलने से बोलते हैं सिर्फ बातचीत चल रहा है हम लोग का दोष है तो ठीक है दोष है बातचीत चल रहा है तो चल इसके बाद उसको लड़की को भी हम बोला है उसको भी बोला है कितना समझे मेरा सासुरी भी समझाया मेरा नाना सब भी समझाए मेरा नाना भी लड़की को फोन करके बोला है तुम ऐसा मत करो जिस लड़की यहाँ पे रहती है उसका नाम क्या है दुमाली उम्र कितना होगा उसका पति का नाम तपोस चंगमा हस्बैंड नाई तैने बाड़ीते एखने हमार बड़ो भाई के स्थायी दिसे अच्छा স্থায়ী দেওয়ার পরে আমার বড় বৌদি কী করছে বৌদি আমার দর্শের কি দরার পরে মহিলা তার বাইরে না এখন ঘরের ভিতরে তালাবদ্ধ কইরা পেছন দিয়া দরজা দিয়া পুরুষ লোকলে বাইর করে দিছে তাই না কিন্তু বাইরে আচ্ছা ওইটা শুনে আমরা দত্তাম দেখতাম এই জিনিসটা কি
সাংসারিক অবস্থা আমরা তোমার ফ্যামিলি আছে তাইনের ফ্যামিলি আছে আমি নিজে সাক্ষাৎ তাইনের জানাইছি জানাইছি পরে তাইনে কইছে তোমরা ঠিক করো তো আমরা ঠিক আছে আমরা ঠিক করুম কিন্তু তুমি স্থায়ী দিতে পারত না তুমি যদি যদি তোমার কাছে আয়ে তাহলে আমরা জানাইও আমরা আমি কইছে আচ্ছা ঠিক আছে তাইনে কিন্তু মানছে না না মানার সূত্রে আজকে এভাবে ঘটনাটা বুঝছি বুঝছি কি নাম আপনার দিদি সাগরিকা কোথায় বাড়ি আমার আমি থাকি এদিনগর বিষয়টা আপনারা পুলিশে জানাইছেন নাকি হ্যাঁ এখানে আবার পরে জানাইছি আমরা কোন পুলিশ থানাতে জানাইছেন এটা তো আমি কইতাম পারতাছি না আমি তো লাস্টের দিকে মানে ফার্স্টেতে আমি আর আইছি না আমরা খবর পাইছি নর্থ গেটে একটা সমস্যা হইতাছে থানাতে একটা খবর গেছে অ্যাকর্ডিংলি নর্থ গেটে সমস্যা হইতাছে খবর বনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দূরে স্টাফ পাঠাইছি প্রথম স্টাফ পাঠাইছি প্রথম পরে কইছে কোনো ঝামেলা হইতাছে বেশি স্টাফ আর কইছে না যে এটা আমার পশ্চিম থানার আন্ডারের বিষয় তো আমি আবার দূরে এলাম দূরে এয়ে দেখলাম যে বিষয় বলে ওই ভদ্রলোক বলে ওইখানে কোনো ঘরের ভিতরে ঢুকছিল আমরা তো এ পাইছি না ভদ্রলোকও বাইরে পাইছি সেই বাড়ির মানে যে ভদ্রমহিলার কথা যে ভদ্রমহিলার দরজা লক রাত্র বিষয় আমরা ভদ্রলোকের বাইরে পাইছি আর মহিলারা কইছি আপনার কোনো বিষয় থাকলে লিগেল অ্যাকশন থাকলে লিগেলভাবে আপনারা অভিযোগ করেন আর এত রাত্রেবেলা আরেক বড় বাঙ্গিয়া বিঙ্গিয়া দরজা ইয়া করে এতটা ইয়া ঠিক না আপনারা অভিযোগ থাকলে অভিযোগ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই থানা আছে পশ্চিম মহিলা থানা আছে পশ্চিম মহিলা থানা অভিযোগ করতে পারেন থানা দেখবো বিষয়টা খাতে কী বিষয় জড়িত আপনার ওয়াইফ কইতাছে কথাটা কি সত্য না আমি তো এনেও আইছি না আর এনে আমি জাস্ট বাইকটা দুগেছো কিন্তু আপনার ওয়াইফের যেটা বক্তব্য ওনার বক্তব্য উনি বলতে পারেন ওনার বক্তব্য উনি বলতে পারেন আপনার ওনার কি দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আরে ওনার আমি কেন আমার কোনো সম্পর্ক না আমি দীর্ঘদিনে বলবো বলবো কেন ওনার বক্তব্য বলে কি আমি সব আমি তাই হই নাকি সেটা তো আপনার বউয়ের বক্তব্য না ওনার বক্তব্য ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা ব্যক্তিগত কেমনে হয় আপনার ওয়াইফ না উনি আরে উনা উনাকে জিজ্ঞাসা করুন না আপনি উনি তো বললো যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত এটাই তো যদি যদি আমি যদি থাকি তাহলে উনাকে জিজ্ঞাসা করেন না কিন্তু আমার মতে তো আমি তো থাকি না এইসব অবৈধ নেই তাহলে আপনি এত রাতে এখানে কি করেন আমি তো এনে রাত্রে এনে না তো আমাকে এনে আনা হচ্ছে আমি তো আরেক বাড়িতে ছিলাম উনারা না আনছেন আমাকে আমি তো আরেকজনের বাড়ি ছিলাম আমি তো এনে আইছি না উনারা না আমাকে টেনে হেঁচড়ে এনেছে কি নাম আপনার পবিত্র দেব বর্মা বাড়ি জম্বুজলা